नागपुर के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस को जो है मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मेरे बाइक के साथ, TVS अपाचे RR 310 BTO। और मेरे चैनल का यही पर्पज़ है जगह को एक्सप्लोर करना, लोगों को एक्सप्लोर करना। तो नागपुर से काफ़ी नज़दीक में ही है ड्रैगन पैलेस टेम्पल, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, और काफ़ी नज़दीक है यही से नागपुर से, कामठी करके एक जगह है, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसका नाम दूसरा नाम भी है इसका लोटस टेम्पल। क्या क्लीन रोड है यार नागपुर के, और फ्लाईओवर्स, मेट्रो और सारे यानी कम्यूट के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सिटी बस है, मेट्रो है, आप ओन व्हीकल के साथ भी कहीं पे भी जा सकते हैं। रोड्स वाइड है, क्लीन है, ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, और ग्रीन सिटी है, रहने के लिए परफेक्ट सिटी है। एजुकेशन हब है, IT हब है, और इंडस्ट्रियल सेज मिहान है बूटी बोरी में, MIDC हिंगना है, तो बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपनीज है। और ये फेमस है संतरे के लिए भी, ऑरेंजेस के लिए। नागपुर जो है सेंट्रल इंडिया में आता है, महाराष्ट्र में। आप बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड्स अच्छा कनेक्टिविटी है, कहीं से भी फॉरेन से भी यहाँ पे आ सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं आप। और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है आजू बाजू में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और टाइगर प्रोजेक्ट्स है बहुत सारे। और यहाँ पे लोकल जो है घूमने के लिए नागपुर सिटी में भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, वो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वैसे एक अट्रैक्शन है ड्रैगन पैलेस टेम्पल कामठी, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और ये सेंटर में आता है इंडिया के, और यहाँ पे अगर आगे में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे है 0 माइल, माइलस्टोन का जो पत्थर रहता है, तो यहाँ पे है 0 माइलस्टोन का पत्थर, उसके ऊपर 0 मार्किंग है। और यहाँ से पूरे 0 माइलस्टोन से ड्रैगन पैलेस टेम्पल आता है 20 किलोमीटर्स, तो 20 किलोमीटर्स आने नज़दीकी है। ये देखिए माइलस्टोन, ये वाला है उसका माइलस्टोन, 0 माइलस्टोन। फ्लाईओवर्स हर जगह है, मेट्रोस के लिए और बाकी व्हीकल्स के लिए भी है। और ये संविधान चौक, सामने में आपको दिख रहा है RBI बैंक। ड्रैगन पैलेस टेम्पल का निर्माण हुआ है 1999 में, और इसको जो फंडिंग मिला है वो जापान की चैरिटेबल ट्रस्ट है ओगावा सोसाइटी, और उनका फंडिंग से ये बना हुआ है। स्टार्टिंग में ये 10 एकड़ की जगह में बना था, बाद में उसको एक्सटेंड करके ये जो है अभी ये 40 एकड़ के लैंड में ये फैला हुआ है। और इसका निर्माण करने में अहम भूमिका रही है एक्स मिनिस्टर सुलेखाताई कुंभारे और नोरिको ओगावा मैडम। हेलो गाइस, हम लोग आए अभी ड्रैगन पैलेस टेम्पल, ये स्थित है कामठी में। कामठी पड़ता है नागपुर से 25 किलोमीटर्स, और ये मेडिटेशन सेंटर है। और अंदर आप जब भी जाएंगे तो आप को एक अलग ही एनर्जी महसूस होगा, तो आप यहाँ के वाइब्स महसूस कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। और ये प्रतीक भी है इंडो जापानीज फ्रेंडशिप का भी। और यहाँ पे है ब्यूटीफुल गार्डन्स, फाउंटेन्स, और एक ये मेडिटेशन सेंटर है, और ये बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए ये जाना जाता है। और यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए अलग से रूम्स है। और आप जो ये देख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, और ये बनी है सैंडलवुड से, चंदन की लकड़ी से।
और ये भी जापान से लाई गई है, और यहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हमें महसूस होती है, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही क्लीन। और इसका आर्किटेक्चर जो है ये ऊपर से जब देखने से ये लोटस जैसे दिखता है, ये बिल्डिंग जो दिखता है वो लोटस जैसे दिखता है। और आप ये ओपन स्पेस फाउंटेन, और ये पूरा घूमते हुए पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। और काफी लोग आज यहाँ आए हुए हैं, अभी हम लोग निकल चुके हैं कामटी से नागपुर की ओर। और ये देखिए क्या शानदार व्यू है, सनसेट हो रहा है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जगह एक्सप्लोर करते हुए, लोग एक्सप्लोर करते हुए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।